व्यावहारिक मसीही जीवन के बारे में प्रभु का वचन बहुत सारी बातें कहता है, जिनमें से अगली बात आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो हम देखते हैं मत्ती रचित शुभ संदेश या मत्ती का सुसमाचार, पांचवा अध्याय और उसका 13वां पद, मत्ती 5:13। मत्ती 5:13 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। ऐसा मेरा अनुमान है कि मसीही परिवार में जिन लोगों ने जन्म लिया है, उन लोगों ने, और इतना ही नहीं, जो लोग मसीही विश्वास में कुछ सालों से है, उन लोगों ने कम से कम 100 बार ये पद पढ़ा होगा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। 100 बार पढ़ने के बाद भी कई बार हम ये पद हमारे जीवन के बारे में कितनी गंभीर बात कह रहा है उसको नजरअंदाज कर जाते हैं। और इसलिए आज मैं व्यावहारिक मसीही जीवन के बारे में चर्चा करने के लिए इस पद के बारे में कुछ विस्तार से आपको बताना चाहता हूं। अच्छा, जब अपन किसी से बात करते हैं और यदि वो व्यक्ति कोई बहुत अच्छी बात कह देता है तो अपन हिंदी में उससे कहते हैं तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी बहुत ही स्वादिष्ट चीज है, शक्कर बहुत स्वादिष्ट चीज है, इसलिए हम कहते हैं तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। लेकिन आपने कभी सोचा है क्या, हमारे खाने में स्वाद के लिए सबसे ज्यादा घी से ज्यादा, शक्कर से ज्यादा, मसालों से ज्यादा कौन सी चीज डाली जाती है? वो है नमक। घी के बिना चपाती खाया जा सकता है, शक्कर के बिना जरूरी हुआ तो चाय पी सकते हैं, लेकिन यदि नमक ना हो, मान लीजिए आलू मटर बनाया है या आलू गोभी बनाया है या गोभी मटर बनाया है और उसमें नमक ना हो तो कोई नहीं खा सकता है, किसी हालत में नहीं खा सकता है। जो इस बात को याद दिलाता है कि हमारे भोजन में, भोजन को स्वाद देने के लिए हम जो दर्जनों चीजों का उपयोग करते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है नमक। और जब प्रभु यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो प्रभु के कहने का मतलब बहुत गहरा था कि इस पृथ्वी को कौन है जो स्वाद देता है। बल्कि नमक का सही उपयोग देखा जाए, प्रभु यीशु ने जब ये बात कही तब नमक का उपयोग यदि देखा जाए तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रभु ने किस अर्थ में कहा था कि तुम पृथ्वी की नमक हो या पृथ्वी के नमक हो। प्रभु जब संसार में थे आज से 2000 साल पहले, उस समय नमक का उपयोग कम से कम 3 बातों के लिए होता था। नंबर 1, स्वाद देने के लिए। आज भी नमक का उपयोग स्वाद देने के लिए किया जाता है। नंबर 2, सड़ने गलने से बचाता है। आजकल तो ड्राई फ्रूट वगैरह कई तरीकों से ड्राई कर दिए जाते हैं, लेकिन यदि आपने ध्यान दिया हो, ऐसे भी कई प्रकार की चीजें हैं जिनको सुखाने से पहले उनमें थोड़ा सा या अधिक नमक डाल दिया जाता है, जिससे कि वो चीज सूखने के साथ साथ सड़ने गलने से भी बच जाए। तो नमक स्वाद देता है, नमक सड़ने गलने से बचाता है, और एक तीसरी बात, नमक औषधि का काम करता है। आप कहेंगे कि नमक औषधि का? हाँ हाँ, बहुत सरल बात है। यदि किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? इमीडिएटली फर्स्ट एड के रूप में उसको थोड़ा सा नमक पानी में घोल के पिला दिया जाता है। तो नमक औषधि का काम करता है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां नमक काम आता है। आजकल तो जरा सा बुखार हो, आप यदि अस्पताल चले जाएं तो इमीडिएटली आपको बिस्तर पर लिटा कर ड्रिप लगा देते हैं सलाइन का। सलाइन का मतलब क्या है? नमक। तो किसी भी
बीमार को जब अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है तो उसको जो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो ड्रिप दिया जाता है वो भी नमक है। पुराने नियम में नमक का एक और उपयोग होता था। पुराने नियम में जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ वाचा बांधते थे तो वो थोड़ा सा नमक एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, जो इस बात को बताता है कि मेरे तुम्हारे बीच में जो वाचा हुई है ये वाचा पक्की है। प्रभु यीशु ने जब अपने सुनने वालों को जब ये बात बताई कि तुम पृथ्वी पर के नमक हो तो वे लोग ये सारी बातें जानते थे। मनुष्य के जीवन में स्वाद तुम देते हो या तुम उसको प्रदान करते हो, मनुष्य के जीवन को सड़ने गलने से तुम बचाते हो, मनुष्य के जीवन में औषधि का काम तुम करते हो, और मनुष्य और ईश्वर के बीच में जो वाचा है उस वाचा के संदेशवाहक तुम हो। हम कैसे हैं? अब ये सवाल ही उठता है कि प्रभु के बच्चे कैसे हैं। देखिए, इस संसार में जन्मा हुआ हर व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि वो जीवन के हर दिन विनाश की ओर बढ़ रहा है। हिंदी की जो प्रसिद्ध कहावत, इसके पहले भी मैं आपको सुना चुका हूं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, ये मैं हजारों बार रिपीट करता हूं। इसके पीछे कारण है, गैर मसीही लोगों के द्वारा कही गई ये कहावत जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई को बताता है कि हम सबको जाना पड़ेगा। मनुष्य इस कहावत को बार बार क्यों दोहराता है? इसलिए कि हर व्यक्ति को मालूम है आए हैं, जाना पड़ेगा, और कहां जाना है, कहां जाएंगे, इसका निश्चय करना जरूरी है। विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु के शुभ संदेश को जानते हैं, उद्धार का, मुक्ति का या पाप क्षमा का संदेश सिर्फ उनके पास है। तो जब एक व्यक्ति प्रभु के साथ वाचा बांधता था, प्रभु और मनुष्य के बीच में आपस में जो संबंध है उसका निश्चय करता था, या दो मनुष्य आपस में आपसी रिश्ते को दृढ़ करते थे, तब नमक का उपयोग करते थे। उसी तरह से मैं और आप इस पृथ्वी के नमक जो हैं, चार कारणों से हैं कम से कम। उसमें से पहला कारण यह है कि हम में से जिन्होंने जीवन में प्रभु यीशु के द्वारा पाप क्षमा और मुक्ति पाई है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम हमारे आसपास जो लोग हैं, जो जानते हैं कि एक बार आ गए अब जाना ही पड़ेगा, उनको इस बात का यकीन दिलाएं कि ऐसी जगह जाओगे तुम जहां पाप की क्षमा और मुक्ति तुमको, मतलब जिसका फल तुम देख सकोगे। प्रभु का वचन ये कहता है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। तो नमक के रूप में हम उन लोगों को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि जब न्याय होगा तब प्रभु के सामने क्षमा पाए हुए व्यक्ति के रूप में या मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के रूप में तुम खड़े होगे। दूसरी बात, हम पृथ्वी के नमक इसलिए हैं कि जिन लोगों के जीवन में किसी तरह का कोई स्वाद नहीं है, उनके जीवन को हम स्वाद से भर दें। आप पूछेंगे कि ऐसे कौन लोग हैं? अरे जरा अपने चारों तरफ देखिए, किसी से भी पूछ लीजिए, सभी लोग अपने जीवन में उनकी जो समस्याएं हैं, जीवन में जो अनुशय की स्थिति है उसके बारे में बताएंगे। ऐसे लोगों के जीवन में अनिश्चय से उनको निश्चय की ओर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, इसलिए हम पृथ्वी के नमक है। तीसरी बात, इस दुनिया का जो जीवन है, पाप से भरा हुआ जीवन, जो लोगों को सड़ने गलने की ओर ले जाता है, उससे उनको एक मुक्ति देने के लिए, उनसे उनको बचाने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। तीसरी बात, औषधि। यदि एक व्यक्ति को लू लग जाए तो समय पर यदि उसे नमक का पानी या नमक मिल जाए तो वो लू से बच सकता है, लेकिन यदि समय पर उसे ना मिले तो नहीं बच पाएगा। इसी तरह से मेरा आपका कार्य इस संसार में औषधि का कार्य करना है। अब सवाल यह है कि नमक का स्वाद कैसे नष्ट होता है? यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं, इसमें से कोई व्यक्ति ऐसा है क्या जिसने नमक का स्वाद
नष्ट होते हुए देखा हो, नहीं होता। अपन बाजार से नमक का पाउडर प्लास्टिक के थैले में लाते हैं और घर में या तो कांच के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तनों में रखते हैं, मर्तबान में रखते हैं, और नमक का स्वाद कभी खराब होते हुए आपने नहीं देखा है, मैंने भी आधुनिक जीवन में नहीं देखा है। तो फिर प्रभु यीशु के कहने का मतलब क्या था? यदि नमक अपना स्वाद खो दे, उसके लिए थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। आज हम फैक्ट्री का नमक खरीदते हैं, समुद्र से पानी को भाप बनाकर जो नमक बनाया जाता है वो फैक्ट्री में ले जाकर शुद्ध करके, साफ करके, फिल्टर करके, प्लास्टिक में भर के हमको दिया जाता है। किसी जमाने में नमक ऐसा नहीं मिलता था। यदि आज सभा में जितने लोग बैठे हैं इनमें से यदि कोई 50 के ऊपर की उम्र का हो तो उनको याद होगा कि आज से 50 साल पहले इस तरह से पाउडर थोड़ी मिलता था, पाउडर बहुत महंगा होता था, उस समय तो नमक के क्रिस्टल मिलते थे। लेकिन आज से 2000 साल पहले स्थिति बिल्कुल अलग थी। आज से 2000 साल पहले पानी को सुखाकर नमक बनाते थे, उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे पहाड़ थे, नमक के पहाड़, जहां से काट काट के नमक के बड़े बड़े टुकड़े, ईंटों के समान या बड़े बड़े पत्थरों के समान नमक के बड़े टुकड़े बाजार में लाकर बेचते थे, प्लास्टिक के थैलों में। जी नहीं, प्लास्टिक का थैला तो हमारे बचपन में भी नहीं मिलता था। आजकल तो जहां देखो वहां प्लास्टिक है, लेकिन मेरे बचपन में भी प्लास्टिक उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध नहीं था। तो आज से 2000 साल पहले नमक प्लास्टिक के थैलों में नहीं, बोरियों में बिकता था, कपड़े की बोरियां, जूट की बोरियां, इस तरह की बोरियों में बिकता था। आजकल नमक की जरूरत है तो दौड़ के घर के बगल में जो किराने की दुकान है वहां से अपन 1 किलो खरीद के ला सकते हैं। प्रभु यीशु के समय में ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु के समय में नमक के ये जो क्रिस्टल हैं या जो बहुत बड़े बड़े जो डेले हैं, लोग हाट में जाकर खरीदते थे। हाट हफ्ते में एक दिन लगता है, इस बात को हम जानते हैं। हाट में जाकर नमक के ये जो बड़े बड़े डेले हैं इसे खरीद कर सामान्यतः लोग साल भर के लिए ले आते थे। एक साल में उनको अनुमान था कि कितना नमक एक घर में लगेगा। और उस जमाने में, खासकर मध्य पूर्व में जहां प्रभु यीशु ने सेवा की, वहां गर्मी ऐसी पड़ती थी कि ना केवल आदमी बल्कि जानवरों के शरीर से भी नमक लॉस होता था। और नमक का जो लॉस होता था उसके कारण जो पालतू जानवर है उनको भी नमक देना पड़ता था। तो हर परिवार को इस बात का अनुमान रहता था कि साल भर में परिवार की जरूरतों के लिए, मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए, कितने नमक की जरूरत होगी। और सामान्यतया साल भर की जरूरत का नमक वो लोग खरीद लेते थे। खरीद के कहाँ रखते थे? प्लास्टिक के डब्बे में? जी नहीं, प्लास्टिक तो 20वीं शताब्दी में आविष्कार हुआ है। कांच के? जी नहीं, कांच का आविष्कार या कांच के बर्तन जो है वो भी बहुत बाद में आए। कहाँ रखते थे? यहाँ जितने गांव के लोग हैं या जिन्होंने गांव में जीवन बिताया है वो लोग जानते हैं कि गांव में मकानों में दड़बे होते हैं जिसके अंदर गेहूं डाल दिया जाता है। उस जमाने में इसी तरह से मकानों में एक छोटा सा कमरा नुमा होता था, जैसे आज गेहूं भर दिया जाता है, उसी तरह से साल भर के लिए जो नमक है उसे खरीद के लाकर उसमें भर देते थे। उसके बाद उसमें थोड़ा 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 निकालकर मनुष्य उसका उपयोग करता था और जानवरों को भी नमक दे दिया जाता था। जानवरों को अक्सर नमक के बड़े डेले लेकर रख देते थे जिसको वो जरूरत के हिसाब से चाट लेते थे। इस तरह से नमक को जब आप ले जाकर मिट्टी के, उस समय आज के समान कंक्रीट तो होते नहीं थे, सीमेंट नहीं होता था, मकान तो मिट्टी के बनते थे। मिट्टी के मकान में मिट्टी की छोटी सी गुफानुमा या जो कमरा है उसमें यदि आप नमक डाल देंगे
तो नमक का जो पोर्शन दीवार से सटा रहता है उसका क्या होगा? हम जानते हैं नमक पानी पीता है, बरसात के सीजन में नमक सील जाता है तो नमक पानी का एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के कारण दीवार से लगे हुए नमक का जो पोर्शन है उसमें एक तरफ से नमक, एक तरफ से मिट्टी और उसके साथ साथ सीलन, क्या उसका परिणाम होता था? दीवार से लगे हुए नमक की जो परत है सीलन के कारण वो मिट्टी की दीवार से चिपक जाता था और ऐसी बुरी तरह से चिपक जाता था कि कुछ समय के बाद मिट्टी नमक को और नमक मिट्टी को सोखने लगती थी। साल भर इस तरह उस दड़बे में रहने के बाद नमक की वो परत जो दीवार के साथ लगी हुई परत है वो ना तो नमक रह जाता था ना मिट्टी रह जाता था। उसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा कि नमक का स्वाद बिगड़ जाए। हम खुद इस बात को जानते हैं कि यदि आपके सामने टेबल पर नमक, यदि किसी बर्तन में नमक को रख दिया जाए और उसमें मिट्टी मिला दे, रेत मिला दे, बजरी मिला दे, आप उसको नहीं खा सकते। इसी तरह से जब वो जो गुफानुमा जगह है उसमें जब साल भर जो नमक यूज किया वो खत्म हो जाए उसके बाद फ्रेश नमक भरने से पहले उनको ये देखना पड़ता था कि सबसे आखिरी जो सतह है या जो सबसे आखिरी परत है नमक की परत जो कि मिट्टी के साथ ऐसा बुरी तरह से घुल मिल गई है कि अब ना तो नमक है ना मिट्टी है, ना मनुष्य के काम का है ना जानवरों के काम का है, उसको क्या किया जाए? उसको वहीं रहने दिया जाए तो उसके ऊपर नमक डालेंगे तो और ज्यादा नमक बिगड़ेगा। ये है वो नमक जो स्वाद खो देता है। प्रभु यीशु ने जब ये बात कही थी उस समय सभी लोगों के घर में इस तरह से नमक डालने के लिए छोटा सा गुफानुमा कमरा होता था, इसलिए सुनने वाले इसे आसानी से समझ लेते थे। आज 2000 साल के बाद ऐसी चीजें नहीं है, इसलिए एकदम से जब हम सुनते हैं कि नमक का स्वाद बिगड़ जाए या नमक स्वाद खो दे तो हमको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये सारी बातें विस्तार से बताई हैं। अच्छा, अब जो नमक स्वाद खो देता था उसका क्या होता था? घर वाले अगले साल बरसात के सीजन के बाद नमक की जो भराई होती थी, जिस तरह से आजकल गांवों में गेहूं की भराई होती है उसी तरह से नमक की भराई से पहले एक काम करते थे, किसी खुरपी नुमा साधन से दीवार में जो नमक चिपका हुआ है, जो ना नमक है ना मिट्टी है, उसको खोद खोद कर खुरेच खुरेच कर निकाल देते थे। उसके बाद दीवार पर चिकनी मिट्टी का लेप कर देते थे और फिर जो नया नमक है अगले साल भर के लिए वो वहां भरा जाता था। अच्छा, लेकिन एक परेशानी थी। परेशानी क्या थी? परेशानी ये कि जो खुरच कर आपने निकाला है, एक बाल्टी, दो बाल्टी या पांच बाल्टी, बड़ा परिवार हो तो 5-10 बाल्टी वो वेस्ट निकल आएगा, जो नमक और मिट्टी का मिश्रण है उसका क्या किया जाए? पौधों में डाल नहीं सकते, पौधे मर जाएंगे, खेत में फेंक नहीं सकते, आपका खेत बर्बाद हो जाएगा, मिट्टी खोद कर उसमें जो है आप मिट्टी के अंदर गाड़ नहीं सकते, क्यों? आसपास की सारी मिट्टी नमकीन हो जाएगी। बस एक काम करते थे लोग, अपने अपने घर के सामने जो सड़क थी उस सड़क पर डालकर उसको कूट देते थे। सड़क पर डाल के क्यों कूट देते थे? इसलिए कि सड़क पर लोग चलते हैं, जमीन यदि नमकीन हो उनको क्या फर्क पड़ता है, वो तो चप्पल पहन के चलते थे। दूसरी बात, सड़क पर डाल दें तो आपके खेत बर्बाद नहीं होंगे, पौधों में नहीं पड़ेगा, इसलिए सड़क पर डालते थे, डालकर एक बार कूट देते थे तो वहां की जो कड़ी गर्मी है उसमें वो सीमेंट से भी ज्यादा कड़ा हो जाता था।
उसके बारे में प्रभु यीशु ने एक विशेष बात कही है जो हम सबको ध्यान देना चाहिए, वो बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाए। ये चीजें हमारे लिए बहुत अधिक जानने की चीजें हैं। विश्वासी के रूप में यदि हम हमारे जीवन में जो स्वाद है, जो पवित्रता है, जो अलगाव है, जो भक्ति है, प्रभु यीशु के प्रति हमारे विश्वास में जो तीक्ष्णता है, ये सारी चीजें हम खो देंगे तो हमारी स्थिति उसी नमक के समान है जिसने अपना स्वाद खो दिया है, अब तो खुरच कर उसको सड़क पर डालना पड़ेगा। ये प्रभु ने कहा कि उसको सड़क पर फेंका जाए, तो उसके साथ साथ प्रभु चाहे तो छोड़ सकते थे। फिर प्रभु ने क्यों यहां जोड़ा कि मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए? हर व्यक्ति जानता है कि रौंदा जाता है, बस इतना कहना पर्याप्त था कि सड़क पर डाल दिया जाता है। प्रभु ने आगे ये जो बात कही कि सड़क पर डाला जाए और पैरों तले रौंदा जाए, उसके पीछे कारण था। मनुष्यों के पैरों तले किसी चीज को रौंदा जाना प्रभु यीशु के वचन में किसी व्यक्ति के जीवन में जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, उसको जो सजा दी जाती है, उसको प्रदर्शित करता है। प्रभु के वचन में कई जगह, खासकर भविष्यवाणियों की पुस्तक में हम इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु की तरफ से प्रभु के बच्चों को जो सजा दी जाती है, उस सजा को मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाना कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि एक विश्वासी उसके जीवन में जो अलगाव है, जो पवित्रता है, जो भक्ति है और जो आत्मिक तीक्ष्णता है, उसको मेंटेन करने में असफल रहता है, और यदि वो अपने स्वाद को खो देता है, तो प्रभु उसके जीवन में अनिशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। और उस अनिशासन के बारे में कहा है मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। कई बार प्रभु इवन गैर मसीही लोगों का उपयोग करते हैं जिससे कि हमारे जीवन में अनिशासन की कार्यवाही हो। प्रभु नियंत्रित करते हैं लेकिन दूसरों का उपयोग भी करते हैं। तो आज संध्या मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु ने हम में से हर व्यक्ति को इस संसार में एक उद्देश्य के साथ रखा है, लेकिन जब प्रभु देखते हैं कि उद्देश्य पूर्ति के बदले हम अपना स्वाद ही खो रहे हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में अनिशासनात्मक कार्यवाही करते हैं। और इसलिए हम में से हर एक आज जरा अपने जीवन को जांच कर देखें कि हम जब प्रभु ने हमको जो नमक बनाया था, आज भी उसी स्वाद को मेंटेन किए हुए हैं, या धीरे 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 हमें हमारा स्वाद कम होता जा रहा है। इसके बारे में एक दो प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बताऊं। जो नमक दीवार से दूर रहता था वो स्वाद नहीं खोता था। दीवार काहे की बनी है? मिट्टी। मिट्टी के साथ जब वो नमक मिलता है, मिलजुल जाता है, तब वो स्वाद खोता है। पुराने नियम में जब इसराइली लोग मिस्र देश की दासता या गुलामी से छूटकर बाहर गए थे, उसको आज जरा खोल कर देखिए, निर्गमन की पुस्तक में लिखा है उनके साथ एक मिलीजुली भीड़ भी गई, ना केवल प्रभु के बच्चे गए, एक मिलीजुली भीड़ गई। जब हम पुराने नियम में जो यहूदियों का, इसराइलियों का इतिहास पढ़ते हैं, तब उसमें बार बार हम ये देखते हैं कि उस मिलीजुली भीड़ ने विश्वासियों के जीवन में बहुत अधिक नुकसान किया। प्रभु जब अपने बच्चों को नव जीवन देते हैं, नया जीवन देते हैं, पाप क्षमा देते हैं, तो प्रभु उनसे कई प्रकार के अलगाव की उम्मीद करते हैं। ये लेकिन अलगाव के बदले वो मिलीजुली भीड़ के समान यदि हम हो जाएं, तो हम उस नमक के समान हैं जो अलग रहने के बदले, जो अपने नमकपन को मेंटेन करने के बदले संसार के साथ, मिट्टी के साथ मिलने जुलने की कोशिश करता है और अपना स्वाद खो देता है।
आज हम अपने जीवनों को जरा अच्छे तरह से जांच कर देखें, कहीं हम उस मिली जुली भीड़ के समान, उस नमक के समान जो मिट्टी के साथ मिलजुल कर एक सम्मिश्रित नमक बन जाता है, जो ना तो नमक है ना मिट्टी है, ना मनुष्य के काम का है ना जानवरों के काम का है, और जिसको जहां भी डाल दिया जाए वो विनाश का कारण बन जाता है। कहीं हम इस तरह के तो नहीं हो गए, जिस तरह से नमक मिट्टी के साथ मिलकर सम्मिश्रित नमक बनाता है, उसी तरह से हम में से हर व्यक्ति को संसार के साथ जो बेमेल जो संगति है वो छोड़नी पड़ेगी। आप पूछेंगे, ब्रदर बेमेल संगति का मतलब ये है क्या कि मेरे पड़ोस में एक भाई है, दूसरे भाई है, तीसरे भाई हैं, गैर मसीही लोग, उनसे दुआ सलाम बंद कर दूं, उनसे मिलना जुलना बंद करूं? जी नहीं। प्रभु यीशु ने जब अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी तब प्रभु ने साफ साफ ये बात कही थी कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि संसार के साथ सारे संबंध छोड़ दो। प्रभु ने कहा कि मेरे कहने का मतलब ये कि संसार के तौर तरीकों के अनुसार चलने की कोशिश मत करो। हम में से कितने ही लोग हैं जो अपने जीवन में संसार के तौर तरीकों को अपनाने की कोशिश करते हैं। एक सरल सा उदाहरण यदि ले लिया जाए, पिछले दिनों हमने विवाह की चर्चा की थी। विवाह के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, प्रभु का वचन कई बातें बताता है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुतो। जुआ शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि पति पत्नी दोनों के लिए जरूरी है कि वे एक ही विश्वास के हों। जिसने उद्धार पाया है उसका जीवन साथी भी उद्धार पाया हुआ होना चाहिए, जिससे कि दोनों एक साथ एक मन से प्रभु की आराधना, स्तुति, प्रभु की सेवा और प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने बच्चे पाल सकें। लेकिन इन दिनों जैसा मैंने याद दिलाया, ऐसे बहुत सारे मसीही जवान हैं जो गैर मसीही कन्याओं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी मसीही कन्याएं हैं जो गैर मसीही लड़कों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और इसके कारण मसीही जगत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को धीरे 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 बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। बर्बादी की ओर कैसे ले जा रहे हैं? नंबर एक, प्रकाश और अंधकार का क्या मेल जोल? नंबर दो, जो लास्ट टाइम मैंने याद दिलाया था, आज अब थोड़ा सा जोर देकर याद दिलाना चाहता हूं कि यदि एक विश्वासी एक अविश्वासी के साथ विवाह करता है तो वो उस नमक के समान है जो मिट्टी के साथ जुड़कर जीना चाहता है। शुरू शुरू में तो सब अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे 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 वे एक दूसरे को इस तरह से प्रभावित करेंगे कि अब वो ना तो मिट्टी है ना नमक है, ना मनुष्य के काम का है ना जानवर के काम का है, और आप उसे पौधों में नहीं फेंक सकते, पौधे बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए सड़क पर फेंका जाता है जहां मनुष्यों के पैरों के तले रौंद दिया जाता है। ये संदेश जो लोग सुन रहे हैं उसमें जो युवा लोग हैं उनको मैं खास याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ये बात बार बार मेरे ध्यान में लाई जा रही है कि मसीही जगत में बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के चक्कर में आकर जीवन में अलगाव की भावना को भूलकर, प्रभु ने हमारे जीवन में अलगाव के लिए जो निर्देश दिया है उसको भूलकर संसार के साथ जुड़ना चाहते हैं। संसार के साथ जुड़े आपको कभी कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। ये है पहली बात। दूसरी बात, जब प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, तो हम में से हर व्यक्ति को ये बात समझनी चाहिए कि हमें संगति ऐसे लोगों के साथ करनी चाहिए जो हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत बना सकती है। देखिए, आज शाम को इतने सारे लोग जूम पर बैठकर प्रभु का वचन सुन रहे हैं। आपको लगता है क्या कि कुल मिलाकर सिर्फ इतने ही लोग हैं जिनको ये इस बात की सूचना मिली थी कि जूम पर प्रोग्राम होगा, हिंदी में प्रभु के वचन का अध्ययन होगा? जी नहीं, और भी बहुत सारे लोगों को सूचना मिली है। क्या कर रहे हैं?
कुछ लोग हो सकता है जरूरी कामों में लगे हुए हों, लेकिन कई बार जब भाई बहनों से बात होती है कि अरे भैया कल शाम को बाइबल क्लास में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम्हारा नाम तो नहीं दिखा, अरे अंकल जी और या अरे ब्रदर क्या हुआ कि मैं एक टीवी पर एक प्रोग्राम देखने लगा और उसमें मन ऐसा लग गया कि मैं भूल ही गया कि बाइबल क्लास है। अक्सर मैं बहुत क्या कहना चाहिए, मैं एक बहुत क्या बहुत सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ, लोग तो इससे बहुत ज्यादा बोल देते हैं जो एक पब्लिक के सामने कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये इस बात को दिखाता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की बात आती है तो संसार का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है हम में से कई लोगों के जीवन में, और कई बार इस कारण हम संसार को ज्यादा महत्व देते हैं। प्रभु करे, संसार में रहना है लेकिन प्रभु करे कि हमारे जीवन में संसार के प्रति जो आकर्षण है, जो मोह है, वो ना पनपे। देखिए, याद रखिए, यदि हम अपने आकर्षण को नियंत्रित नहीं करते हैं तो आकर्षण मोह बन जाता है। आपको याद है क्या, 400 साल मिस्र देश में गुलाम रहने के बाद जब इसराइली लोग मिस्र देश से बाहर आए, जरा सी प्यास लगी, जरा सी भूख लगी, उन्होंने कहा अरे मिस्र देश में तो खाने की हंडिया के सामने बैठकर इतना खाते थे कि खाके मन भर जाता था। क्या खाते थे, मिस्र देश में गुलाम थे, गुलाम को क्या दिया जाता। लेकिन कई बार मन में जो आकर्षण है, यदि हम उसको नियंत्रित ना करें तो आकर्षण मोह बन जाता है। इसलिए संसार के प्रति जो आकर्षण है उसको नियंत्रित करें। आज शाम को मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि हम अपने आप को जांचें। कैसे जांचें? यदि मैं अपने आप को देखूं तो मुझे तो लगेगा कि हाँ मेरा तो सब अच्छा चल रहा है। नहीं, हम यदि अपने आप को जांचें तो दूसरे की नजरों से जरा जांचें, दूसरे लोग मेरे आपके बारे में क्या कहते हैं। ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं और आप जिन दफ्तरों में काम करते हैं, जिन कॉलेजेस में या स्कूल्स में पढ़ते हैं, जिस समाज में जीते हैं, वहां लोग हमको देखकर क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब आप बाजार से होकर जाते हैं तब लोग यदि आपको इज्जत के साथ आपसे दुआ सलाम करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी रेपुटेशन अच्छी है। उसके बदले यदि आपसे कोई अश्लील बात करते हैं, कोई चालू बात करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी रेपुटेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी वो आपसे बात कर रहा है। ये जरा जांच कर देखिए कि वे हमारे अंदर स्वाद, औषधि, सुरक्षा देखते हैं क्या। नहीं तो जरा अपने आप को जांचें, कहां हमसे गलती है, कहां गलती हुई है। हम अपने जीवन में पुनर्निर्माण की कोशिश करें, अपने आप को पुनर्निर्माण करने की कोशिश करें। कैसे करें, दो शब्द उसके बारे में बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री में कहा गया है कि प्रभु का वचन हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा शार्प है और वो हमको आर पार छेदता है। प्रभु के वचन को जीवन में पहला स्थान दीजिए, जिससे कि प्रभु का वचन हमारे मन को आर पार छेद करके ये बताए कि हमारे मन में कोई गलत बात तो नहीं है। यदि पता चलता है गलत बात है, संसार के साथ यदि हम मेल जोल की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। प्रभु का वचन कहता है मैंने आपका वचन अपने हृदय में रखा है जिससे आपके विरुद्ध पाप न करूं। प्रभु के वचन को अपने दिल में रखें, प्रभु के वचन पर दिन रात मनन करें और प्रभु का वचन हमको जो बताता है उसके अनुसार अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। उससे संबंधित दो बातें और बताकर मैं आज का संदेश समाप्त करना चाहता हूं। हम में से हर व्यक्ति को प्रभु का वचन नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। याद रखिए, इसके पहले भी मैंने बताया था, यदि आप 15 मिनट प्रतिदिन विश्वास योग्यता से 15 मिनट यदि प्रतिदिन प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए समर्पित करते हैं तो एक साल में संपूर्ण बाइबल आप पढ़ लेंगे। तो आज क्या है, आज जून 21 तारीख है। आज यह ठान लीजिए कि अगले जून 20 से पहले मुझे संपूर्ण बाइबल पढ़ना है। एक दिन 15 मिनट कम से कम प्रभु के वचन के अलग रखिए
बाइबल को पढ़िए, नंबर वन। नंबर दो, जो हम पढ़ते हैं उसमें से प्रभु हमको जो रोशनी देते हैं, जो प्रकाश देते हैं, उसको कहीं नोट कीजिए, एक डायरी में नोट कीजिए, बार बार उसके ऊपर मनन कीजिए, जिससे कि आपने जो पढ़ा है, आपने आपको प्रभु ने जो प्रकाश दिया है वो आपके मन में बैठ जाए। जिस तरह से जानवर जुगाली करता है, उस तरह से प्रभु के वचन के ऊपर जुगाली करें। तीसरी बात, प्रभु के बच्चों के साथ संगति के लिए किसी भी अवसर को नजरअंदाज ना करें, उसको छोड़े नहीं। जब भी संगति का अवसर मिलता है संगति करें, जब भी प्रभु के वचन को सुनने का मौका मिलता है प्रभु के वचन को जरूर सुने, और सभी लोग एक आदत डाल लें, प्रभु का वचन जब भी सुनते हैं डायरी के साथ बैठें, जिससे कि प्रभु ने आपसे जो बात की है, जो बातचीत की है, उसे आप नोट कर सके। आज इन बातों के ऊपर प्रभु के वचन से ध्यान करने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया उसके लिए पहले तो मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं, और मुझे इस तरह से प्रभु का संदेश आप लोगों के साथ बांटने के लिए बिलीवर्स असेंबली ने जो इन्विटेशन दिया उसके लिए मैं बिलीवर्स असेंबली का भी आभारी हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति हो।